युवा स्वाभिमान पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण मुद्दों पर पत्रकार परिषद ली गई। युवा स्वाभिमान पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण मुद्दों पर पत्रकार परिषद आयोजित की गई थी, जिसमें ज्योति तहसील के तहसीलदार प्रवीण छिड़े ने 26/1/2022 को अवैध रेती की तस्करी करने वाली हाइवा गाड़ी पकड़ी और आर्थिक लेन देन कर गाड़ी को छोड़ दिया। तो वही चंद्रपुर शहर में और जिले में चौपहिया वाहनों पर लाइसेंस नहीं, ऐसे फैंसी नंबर प्लेट, ब्लैक फिल्म, साथी बुलेट गाड़ी और अन्य गाड़ियों के साइलेंसर बदलकर पटाखा जैसे ध्वनि प्रदूषण निर्माण करते हुए शहर और जिले भर में दहशत निर्माण करने वालों के विरोध में कार्रवाई की मांग की गई। जय भवानी कामगार संगठन चंद्रपुर के संस्थापक अध्यक्ष तथा जिलाध्यक्ष सूरज ठाकरे ने पत्रकार परिषद में किए। इस संदर्भ में नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह परदेशी, इन्हीं के साथ मुख्य प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, इन्हें युवा स्वाभिमान पक्ष की ओर से निवेदन दिया गया। जे शहरामध्ये आणि जिल्ह्यामध्ये ब्लैक फिल्मचा वापर करतात आणि फैन्सी नंबर प्लेटचा वापर करतात, त्यांच्यावर कारवाई व्हावी आणि विशेषतः बुलेट या गाडीमध्ये जे फटाके फोडत जे सायलेन्सर वापरतात त्यांच्यावर कारवाई व्हावी म्हणून प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आणि माननीय पोलीस अधीक्षक साहेब नवनियुक्त यांना निवेदन देण्यात आले।